Nothing Phone 2A आया मार्च 2024 में और अब जुलाई 2024 में आ रहा है Nothing Phone 2A Plus। तो चलिए देखते हैं कि Nothing कंपनी ने इसमें क्या प्लस किया है। Hi guys, मैं प्रवीण भनका और मैं लेकर आ गया हूँ इस फोन का रिव्यू, और साथ ही साथ मैं इस फोन की ही बात नहीं करूंगा बल्कि इसके हर सेगमेंट में इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से कंपेयर भी करूंगा। तो इसका डिजाइन तो काफी यूनिक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत भी इसके डिजाइन से ही करते हैं। तो डिजाइन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे भी अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है मटेरियल, थिकनेस, वेट और आईपी रेटिंग, और उसी पे हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा फोन डिजाइन में अच्छा निकल के आता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम Nothing Phone 2A Plus की, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम सा डिजाइन देखने को मिल रहा है जो कि 2A में देखने को मिला था, लेकिन यहाँ जो ये कलर है आपका काफी स्टैंड आउट कर रहा है और अलग से आपको डिजाइन प्रॉपरली दिख रहा है। लाइटिंग इफेक्ट्स भी आपको सेम देखने को मिलेंगे, एंड आपको पीछे बैक भी आपको प्लास्टिक ही मिलता है पॉलीकार्बोनेट, जो कि पहले भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इजिली आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं देखने को मिलते, जो कि अच्छी बात है, तो विच इज अ गुड थिंग। एंड अगर बात करें यहाँ पे बॉक्सी डिजाइन है, तो इन हैंड में फील अच्छा है, आपको ग्रिप अच्छी मिल जाती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और वेट भी इसका ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है 190 ग्राम, और थिकनेस की 8.5 mm है, जो कि ओके है, जो पहले की तरह ही आपको देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे आपको IP54 रेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो Realme 13 Pro, OnePlus Nord 4 और Oppo F27 Pro Plus आ जाते हैं, जिसमें की बात करें हम सबसे हल्का कौन सा फोन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे Oppo F27 Pro Plus निकल के आ जाता है आगे, क्योंकि इसमें आपको 177 ग्राम देखने को मिलता है वेट। और अगर बात करें थिकनेस में सबसे पतला फोन कौन सा है, तो अगेन आपका Oppo F27 Pro Plus 7.9 mm के साथ आ जाता है। अगर बात करें आईपी रेटिंग में, तो आईपी रेटिंग में तो मार्वेलस Oppo F27 Pro Plus निकल के आता है, क्योंकि इसमें आपको IP66, IP68 एंड IP69 रेटिंग मिल जाती है। अब बात करेंगे हम मटेरियल की, तो खैर मटेरियल में यहाँ सबसे अच्छा अगर बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा वही मेरे हिसाब से विनर होगा, जो कि आ जाता है OnePlus Nord 4 मेटल बॉडी के साथ, एंड सबसे रॉबस्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल, बोले तो सबसे ज्यादा तगड़ा फोन तो आपके लिए मेटल का ही रहेगा OnePlus Nord 4। अदरवाइज अगर तीनों फोन की बात करें, तो आपको पॉलीकार्बोनेट जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे फॉक्स लेदर देखने को मिल जाता है Oppo F27 Pro Plus में। अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो आपके स्टैट्स के हिसाब से जो जीत रहा है वो है Oppo F27 Pro Plus, क्योंकि आपका सबसे पतला है, सबसे हल्का है, एंड साथ ही साथ 3 आईपी रेटिंग्स लेकर आता है, जो कि इनसेन है। एंड इसमें आपको मिलती है डैमेज प्रूफ 360 डिग्री आर्मर बॉडी, एंड ये इसको बहुत सॉलिड बना देता है। इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे अगर एक और सॉलिड फोन के बारे में जो कि काफी अच्छा निकल के आता है मेटल बॉडी के साथ, वो आ जाता है OnePlus Nord 4। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, अगर आप सॉलिड बॉडी फोन देखना चाह रहे हैं, मतलब गिर गुरा जाए तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, तो उसके हिसाब से ये काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लेकर आता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है Realme 13 Pro, जो कि ये भी काफी सुंदर दिखता है, काफी अच्छे डिजाइन के साथ आ रहा है, एंड Realme 12 Pro Plus को आगे लेके जा रहा है उसके डिजाइन को, तो काफी अच्छा लग रहा है। ये भी एक लुक आपको अलग देखने को मिलेगा, और साथ साथ इसमें भी आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलती है। लेकिन अब बात करें अगर हमारे हीरो की, जो कि है Nothing Phone 2A Plus, जो कि डिज़ाइन में एकदम स्टैंड आउट करता है, इसका आप डिज़ाइन देख ही सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है, एंड लाइट इफेक्ट्स भी इसमें आपको अलग से मिल जाती हैं, तो सम हाउ स्टैंड आउट तो करता है ये डिज़ाइन में, ये तो नो डाउट। चारों फोन्स मेरे हिसाब से काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपका पर्सपेक्टिव होगा कि आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। खैर मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो मैंने आपको बता ही दिया अपने बारे में। तो अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे भी अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या जाता है आपका डिस्प्ले साइज क्या है, डिस्प्ले टाइप क्या है, आपका रिफ्रेश रेट कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, और उसके बाद टच सैम्पलिंग रेट कितना है, और आपका PPI कितना है, और आपका यहाँ पे डिस्प्ले प्रोटेक्शन क्या है, और भी बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। फिर हम इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा फ़ोन डिस्प्ले में सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे Nothing Phone 2A Plus के डिस्प्ले को। तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, एंड यहाँ पे आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि हम आउटडोर भी टेस्ट करते हैं, इंडोर भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको लेजिबिलिटी कितनी है, लाइक अगर आप बाहर कुछ देख रहे हैं, कॉन्टेंट देख रहे हैं, या कोई आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आउटडोर में और इंडोर में कैसा आपको ब्राइटनेस देखने को मिलता है। साथ साथ इसका डिस्प्ले प्रोडक्शन आ जाता है कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोडक्शन। एंड यहाँ पे अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें ना, तो यहाँ आ जाता है आपके पास Realme 13 Pro, आता है OnePlus Nord 4 एंड Oppo F27 Pro Plus। तो अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले साइज की, तो सबसे बड़ा डिस्प्ले साइज यहाँ निकल के आ रहा है Nord 4 का, जो कि आ रहा है 6.74 इंचेस का। और अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले टाइप की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा डिस्प्ले वैसे सब में ही आपको AMOLED देखने को मिल रहा है, तो नो
आउट, सबका डिस्प्ले काफी अच्छा है। अगर बात करें पीक ब्राइटनेस की तो यहाँ सबसे ज्यादा पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है जो कि है वन प्लस नॉट 4 में, जो कि है 2150 की, मतलब कि 2150 निट्स देखने को मिल रही है आपको। एंड अगर बात करें यहाँ पे रिफ्रेश रेट की तो सब में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, और ये सारे के सारे LTPS डिस्प्ले हैं। और अगर बात करें नेटफ्लिक्स में HDR किसमें सपोर्टेड है तो यहाँ पे आपको वन प्लस नॉट 4 में नेटफ्लिक्स में भी HDR 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में तो सबसे बड़ी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो निकल के आ रही है वन प्लस नॉट 4 की, जो कि आती है 93.5%। अगर बात करें यहाँ पे PPI मतलब पिक्सल पर इंच की तो यहाँ सबसे ज्यादा पिक्सल पर इंच निकल के आ रहा है जो कि है वन प्लस नॉट 4 450 PPI के साथ। अगर बात करें टच सैम्पलिंग रेट की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट निकल के आ रहा है Realme 13 Pro का, जो कि आ रहा है 360 हर्ट्ज का। एंड अगर बात करें यहाँ पे रेजोल्यूशन की तो सब में आपको 1.5K का ही रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, और सबसे अच्छा डिस्प्ले प्रोटेक्शन निकल के आ रहा है यहाँ पे ओप्पो F27 Pro Plus में, जो कि है Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन, जो कि काफी इनसेन है एट दिस प्राइस। अब बात करें मेरे ओपिनियन की तो यहाँ पे जो स्टैट्स के हिसाब से हीरो निकल के आ रहा है वो है वन प्लस नॉट 4, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले भी बड़ा मिलता है, साथ साथ आपको इसमें स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस भी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बस स्क्रीन प्रोटेक्शन में थोड़ा सा पीछे हो जाता है क्योंकि हमारे पास ओप्पो F27 Pro Plus आ जाता है, जो कि आपका काफी अच्छी प्रोडक्शन के साथ आ रहा है, जो कि है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोडक्शन, जो कि इनसेन है। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको इतनी अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिलती है डिस्प्ले में, जो कि काफी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें Realme 13 Pro भी आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नथिंग फोन 2A को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए उसको डिस्प्ले के मामले में। तब बात करते हैं यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं जिसमें कि बेंचमार्क्स होते हैं और साथ साथ गेमिंग टेस्ट होता है। अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आपका एंटीटू टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि आपका फोन ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसमें चाहे आपका प्रोसेसर हो, ग्राफिक्स यूनिट हो या जो भी और चीजें इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद बात करें हम गीक बेंच का टेस्ट करते हैं जिसमें पता चलता है कि प्रोसेसर का आपका सिंगल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर कैसा चल रहे हैं और वो कैसा काम कर रहे हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे हमारे पास बर्न आउट टेस्ट होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि CPU पे आपका प्रेशर डाला जाता है, लोड डाला जाता है, जिससे पता चलता है कि फोन आपका कैसा काम करेगा अगर उस पर प्रेशर डाला जाए और वो कैसा निकल के आएगा आगे, वो हीट करेगा या क्या करेगा, वो सब पता चलता है हमें। उसके बाद हम GFX का टेस्ट रन करते हैं जिसमें कि ग्राफिक्स आपका फोन में गेमिंग कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो उसमें ग्राफिक्स कैसा आपको करके दे रहा है, और उसमें GFX Manhattan टेस्ट होता है और GFX TRX टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि ग्राफिक्स परफॉर्मेंस कैसा है फोन का। उसके बाद बात करें CPDT टेस्ट करते हैं रैंडम रीड एंड राइट का, जिसमें कि अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह या फिर कुछ आपके फोन में है उसको आप रीड कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, आपका वीडियो फाइल हो या कुछ भी हो, म्यूजिक हो, तो वो कितनी जल्दी आपको रीड करने में हेल्प कर रहा है, लाइक लोड तो नहीं हो रहा होता, टाइम तो नहीं लगा रहा। और राइट वाला मतलब जैसे कि आप कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो कितनी जल्दी आपका कॉपी पेस्ट हो रहा है और डाउनलोड कर रहे हैं। ऑल्दो इसमें इंटरनेट की स्पीड भी देखी जाती है, लेकिन कॉपी पेस्ट में जैसे आप कुछ शेयर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कितनी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। और अगर गेमिंग की टेस्ट की बात करें तो गेमिंग में हम करते हैं यहाँ पे BGMI का टेस्ट, आपका कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और रियल रेसिंग 3 गेम्स खेलते हैं, और 30-30 मिनट तक हम ये गेम खेलते हैं और उसमें 10-10 मिनट का गैप भी देते हैं हर टेस्ट के बीच में, और ध्यान रखते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस से फोन का टेम्परेचर नीचे गिर जाए ताकि हम वापस से टेस्ट रन कर सके। और यहाँ पे गेमिंग में हम चेक करते हैं इसका FPS कैसा आ रहा है, एवरेज FPS, और आपका बैटरी ड्रॉप कितना हुआ है और हीटिंग कितना हो रहा है। ये सारे टेस्ट करने के बाद हम बताते हैं कि किसका आपका गेमिंग टेस्ट में कौन ज्यादा अच्छा हो रहा है और बेंचमार्क्स में कौन ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं नथिंग फोन 2A प्लस की परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Dimensity का 7350 Pro प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, और इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे जिसमें कि 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज एंड 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। और अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका Realme 13 Pro, OnePlus Nord 4 एंड Oppo F27 Pro Plus आ जाते हैं, जिसमें कि अगर बात करें एंटीटू स्कोर की तो सबसे ज्यादा एंटीटू स्कोर लेके आ रहा है जो कि है OnePlus Nord 4, जिसमें कि 1,169,000 से भी ज्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे हम Geekbench सिंगल कोर की तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा स्कोर आपको Nord 4 में देखने को मिल रहा है जो कि 1,744 का है। उसके बाद बात करें यहाँ पे Geekbench मल्टी कोर में तो यहाँ पे भी आपका Nord 4 काफी आगे निकल रहा है जो कि 4,365 का स्कोर लेके आ रहा है। अगर बर्न आउट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम जब CPU थ्रॉटल करते हैं कि उस पर प्रेशर देते हैं तो कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सा रिजल्ट देखने को मिल रहा है आपका Realme 13 Pro और Oppo F27 Pro Plus में, जो कि 77% तक आपको अच्छा थ्रॉटल ले रहा है, जो कि काफी अच्छा चीज है। और अब बात करें यहाँ पे जब हमने ग्राफिक्स टेस्ट किया, मतलब GFX Manhattan और GFX T-Rex, तो यहाँ पे GFX Manhattan में आपका Nord 4 फिर से आगे निकल रहा है 3728 स्कोर के साथ, एंड T-Rex में भी सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है यहाँ पे
नॉट 4 ही 3369 का, जो कि ज्यादा मार्जिन नहीं है। और यहाँ पे बात करें सीपीडीटी रैंडम राइट की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है हमारे पास नथिंग फोन 2A प्लस का, जो कि 31.70 है। और अगर हम बात करें रैंडम रीड की, तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है नॉट 4 का 28.19 का। तो यहाँ पे अगर बेंचमार्क्स की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा बेंचमार्क्स में निकल के आ रहा है वन प्लस नॉट 4। अब चलते हैं हम गेमिंग की तरफ, तो हमने यहाँ पे गेमिंग की आपका BGMI, आपका कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और रियल रेसिंग 3 30-30 मिनट्स के लिए और 10-10 मिनट्स का गैप भी दिया था, जिसमें कि हमने देखा कि 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल जाए फोन तभी हम टच करेंगे। और हमने 60 FPS की सेटिंग्स में गेमिंग की थी। और BGMI की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा आपको FPS देखने को मिल रहा है वो है नॉट 4 में। एवरेज FPS आपको मिल रहा है 55.381 का, जो कि काफी अच्छा है कंपैरेटिवली। और अगर बात करें यहाँ पे बैटरी ड्रॉप किसका ज्यादा हुआ, तो बैटरी ड्रॉप सबसे ज्यादा हुआ Realme 13 Pro और Oppo F27 Pro Plus का, जो कि 8% तक बैटरी गिर गया। और अगर हीटिंग की बात करें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीटिंग 30 मिनट्स के बाद जो देखने को मिली वो था Oppo F27 Pro Plus में 37.6 डिग्री सेल्सियस का। और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो हमने खेला 60 FPS पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे भी आपका एवरेज FPS जो निकल के आ रहा है सबसे ज्यादा वो निकल के आ रहा है 57.6, जो कि नॉट 4 और Oppo F27 Pro Plus दोनों में आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे अगर बैटरी ड्रॉप की, तो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है हमें Realme 13 Pro में, जो कि 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। और अगर बात करें यहाँ पे हम हीटिंग की, तो जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला, तो हीटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिली वन प्लस नॉट 4 में, जो कि 36.7 डिग्री सेल्सियस था। अब बात करें रियल रेसिंग 3, जो कि हमने खेला, फिर से 60 FPS एवरेज रखा था हमने। और अगर बात करें यहाँ पे हमारा एवरेज सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है वो है नथिंग फोन 2A प्लस में, जो कि 59.07 आपका FPS निकल के आ रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर बात करें बैटरी ड्रॉप की, तो यहाँ पे आपको बैटरी ड्रॉप ज्यादा देखने को मिल रहा है Oppo F27 Pro Plus में 8% का। अब हीटिंग की बात करें, तो हीटिंग में यहाँ पे ज्यादा हीटिंग हो रही है Oppo F27 Pro Plus में 37.3 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो जो भी हमने टेस्टिंग की वहाँ पे बेंचमार्क हो चाहे गेमिंग हो, सबसे आगे निकल के आ रहा है वन प्लस नॉट 4 एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको गेमिंग में भी बेंचमार्क्स में भी काफ़ी अच्छे स्कोर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हीटिंग भी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है गेमिंग के टाइम पे। खैर मेटल है, तो आपका ये हीट भी जल्दी होगा आपका और ठंडा भी जल्दी होएगा, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे एक फ़ोन जिसमें बैटरी ड्रॉप भी कम देखने को मिला, हीट भी कम हुआ और परफॉर्मेंस भी अच्छे से मेंटेन करके रखा था, वो था आपका नथिंग फोन 2A प्लस, जो कि काफ़ी कूल डाउन फ़ोन रहा मेरे हिसाब से एंड गेमिंग में भी अच्छे से कर रहा था एंड FPS भी मेंटेन कर रहा था, साथ साथ ये ठंडा भी रह रहा था, विच इज़ प्रिटी गुड। बट ये आपको हैवी गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, कैजुअल गेमिंग के लिए आपको ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा। सब बात करते हैं हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं कि UI कैसा है, आपका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, आपका यहाँ पे प्रीलोडेड ऐप्स कितनी है और साथ ही साथ कितना आपको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाला है फ्यूचर में, तो उन सब पे बेस पे पता चलता है कि कौन सा बेस्ट फ़ोन है सॉफ्टवेयर के लिए। तो सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं नथिंग फोन 2A प्लस को, जिसमें कि आपको मिलता है नथिंग OS 2.6, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे एंड इसमें आपको प्रीलोडेड एप्स देखने को मिलते हैं जो कि 26 हैं, जिसमें कि 1/3 पार्टी ऐप है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग, मतलब काफी क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है एंड सच कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को। UI में भी आपका यूज करता हो तो एकदम स्मूथ फील होता है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम मस्त चलता है, सच कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। एंड अगर बात करें यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 years का एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 years का सिक्योरिटी अपडेट। अगर बात करें कॉम्पिटिटर्स की, तो यहाँ पे आ रहा है Realme 13 Pro, OnePlus Nord 4 और Oppo F27 Pro Plus, जिसमें कि सब में आपको अलग अलग UI देखने को मिलता है, जैसे कि Nothing OS 2.6, Realme में आपको Realme UI 5.0, Nord 4 में आपको Oxygen OS 14.1 और Oppo F27 Pro Plus में मिलता है आपको ColorOS 14। अगर बात करें यहाँ पे सब में आपको Android 14 का वर्जन देखने को मिल जाता है, लेकिन प्रीलोडेड एप्स की बात करें तो सबसे कम प्रीलोडेड एप्स आपको Nothing OS में ही देखने को मिलते हैं, जो कि है 26, जिसमें एक और है जो कि 3rd-party ऐप है जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एंड्रॉइड अपडेट्स की बात करें तो सब में आपको 3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो सबसे अच्छा फोन जो कि हमारे टेस्टिंग के हिसाब से एंड साथ ही साथ जो यूज करने में भी काफी अच्छा लगा सॉफ्टवेयर के हिसाब से, वो था नथिंग फोन 2A प्लस, जिसमें कि आपको मिलता है आपका नथिंग OS 2.6 एंड बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14, जो कि लेटेस्ट है और प्रीलोडेड एप्स भी देखने को नहीं मिलते हैं और ये UI काफी फ्लूइड लगा मेरे को, लाइक बड़ा मज़ा आता है यूज़ करके, स्नैपी लगता है और काफ़ी क्लीन है, कोई एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको 3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट्स भी मिल जाता है और 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बनाता है इस फ़ोन को इस प्राइस वैल्यू पे।
सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की। तो सबसे पहले बात करते हैं नथिंग फोन 2A प्लस की। तो इसमें आपको मिलता है ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें कि मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अगर मेन कैमरा की बात करें तो सैमसंग का GN9 सेंसर है, और इसका अगर सेंसर साइज की बात करें तो 1/1.57 इंच का सेंसर साइज है, और इसका अपर्चर की बात करें तो f/1.88 का अपर्चर है। और साथ ही साथ इसमें अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्स आपका 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर से 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, एंड ये भी 4K 30fps में रिकॉर्ड कर सकता है। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो Realme 13 Pro, OnePlus Nord 4, Oppo F27 Pro Plus हैं, जिसमें कि मेन कैमरा सबके 50 मेगापिक्सल है, लेकिन Oppo F27 Pro Plus में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा एंड सब में आपको OIS देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर सेंसर की बात करें तो Realme 13 Pro और OnePlus Nord 4 में सेम सेंसर मिलता है, Sony का LYT 600 सेंसर, जबकि Oppo F27 Pro Plus में मिलता है आपको OmniVision का OV64B का सेंसर। अब सेंसर साइज की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेंसर साइज आ जाता है नथिंग फोन 2A प्लस का, जो कि आता है 1/1.57 इंच का। अब बात करें अपर्चर की, तो अपर्चर में सबसे बड़ा आ जाता है अपर्चर Oppo F27 Pro Plus का, जो कि आता है f/1.7 का। अब बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है नथिंग फोन 2A प्लस में। Realme 13 Pro और OnePlus Nord 4 में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और वहीं Oppo F27 Pro Plus में मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर। अब बात करें यहाँ पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप रियर कैमरा से करना चाहे तो सबसे अच्छा है OnePlus Nord 4, जिसमें कि 4K 60fps कर सकते हैं, अदरवाइज आप तीनों फोन्स में 4K 30fps ही कर सकते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे नथिंग फोन 2A प्लस फिर से आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और Realme 13 Pro में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, OnePlus Nord 4 में मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, Oppo F27 Pro Plus में मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से, तो आपको नथिंग फोन 2A प्लस एंड Realme 13 Pro में आपको फ्रंट में भी 4K 30fps का शूट करने का ऑप्शन मिलता है, विच इज प्रीटी गुड। एंड अगर OnePlus Nord 4 और Oppo F27 Pro Plus की बात की जाए तो फुल HD 30fps तक आप शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। तो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा कैमरा लगा, लाइक आपको जो टेस्टिंग की हमने और साथ साथ जो स्पेक्स देखे उसके हिसाब से भी, तो Realme 13 Pro मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कैमराज में। लाइक फोटोज़ इसकी काफ़ी अच्छे निकल के आ रही है, नेचुरल कलर्स दे रहा है, एंड बोके वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और वीडियो में भी आपको दोनों तरफ ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है, विच इज़ प्रिटी गुड। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं सबसे अच्छा बोलूँगा नथिंग फोन 2A प्लस को, क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपका 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं, चाहे आप फ्रंट हो चाहे बैक हो, एंड साथ साथ अल्ट्रा वाइड में भी आप 4K में शूट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, तो लाइक अगर आप अच्छे से आप कोई वीडियो बनाते हैं, लाइक क्रिएटर्स वगैरह हैं जिनके लिए कैमरा बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है नथिंग फोन 2A प्लस। तो बात करते हैं हम यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग की, तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें कि ये बैटरी को जब टेस्ट करते हैं तो हम PC मार्क टेस्ट लगाते हैं, जैसे कि हमने इसको फोन्स को हम पूरा 100% चार्ज कर देते हैं, उसके बाद PC मार्क टेस्ट ऑन करते हैं और वो पूरे टाइम चलते रहता है। जस्ट उसमें जैसे ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मली आप कोई टास्क कर रहे हैं, कभी आप मूवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वो सब आपका चलता रहेगा उसमें, और वो चलते रहता है रेगुलर जब तक बैटरी ड्रॉप ना हो जाए 20% तक। 20% के बाद वो टेस्ट रुक जाता है, और उसके बाद हमें एक टाइमिंग पता चल जाती है कि कितना टाइम आपको बैटरी बैकअप दे सकता है आप कंटिन्यूअसली यूज करेंगे। उसके बाद हम 20% से 100% तक फुल चार्ज करते हैं, उसमें हम चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं, और ये 20% आपका आइडल होता है, 20% से नीचे आपको बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए ताकि आपकी बैटरी हेल्थ बनी रहे। उसके बाद हमें पता चलता है कि आपका चार्जिंग टेस्ट में क्या रिजल्ट आया, और उसके हिसाब से हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा फोन आपका बैटरी और चार्जिंग में सबसे बेस्ट निकल के आता है। तो सबसे पहले बात करें हम नथिंग फोन 2A प्लस की, तो इसमें आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी एंड 50W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसमें आपको चार्जर इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें हम इसके PC मार्क टेस्ट की, तो 14 आवर्स 34 मिनट्स का स्कोर निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है,
और मतलब इतनी देर तक आपका फोन चलते रहेगा, उसके बाद भी 20% बैटरी आपको बच जाएगी। और जब बात करें हम इसके चार्जिंग टेस्ट की, जो हमने 20 से 100% तक जब चार्ज किया तो इसका 51 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया था, विच इज फेयरली गुड। एंड अगर बात करें इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो यहाँ पे आ जाता है रियलमी 13 प्रो, वन प्लस नॉट 4, ओप्पो F27 प्रो प्लस। तो बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की, तो सबसे बड़ी बैटरी निकल के आती है वन प्लस नॉट 4 की, जिसमें कि आपको 5500 mAh की बैटरी मिल रही है। और बात करें अगर पीसी मार्क टेस्ट में, सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो कि आ रहा है वन प्लस नॉट 4 का 16 hours 58 minutes का, जो कि काफी अच्छा है। अगर बात करें यहाँ पे चार्जर की, तो चार्जर सबसे बड़ा यहाँ पे वॉट के साथ आता है वन प्लस नॉट 4 का, जो कि 100 वॉट का चार्जर आता है और वो भी इन द बॉक्स आता है। अगर बात करें यहाँ पे चार्जिंग टाइम की, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है वन प्लस नॉट 4 में, जो कि 24 मिनट्स में आपका 20 से 100% चार्ज कर देता है, जो कि काफी फास्ट एंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो बात करें मेरे ओपिनियन की, जो सबसे अच्छा बैटरी एंड चार्जिंग में जो हमारे टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट निकल के आया, उसमें निकल के आ रहा है वन प्लस नॉट 4, क्योंकि इसमें आपको 16 hours 58 minutes तक का पीसी मार्क टेस्ट निकल के आया, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, और ऑब्वियसली 5500 mAh बैटरी भी मिलती है आपको, और 100 वॉट का चार्जर मिलता है इन द बॉक्स, जो कि और अच्छी चीज़ होती है। और अगर नथिंग फोन 2 प्लस से कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पे तो आपको चार्जर भी देखने को नहीं मिल रहा है, एंड 24 मिनट्स में आपका 20 से 100% तक फुल चार्ज कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब मस्त, एकदम बड़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। सो बात करें प्राइस एंड वर्डिक्ट की, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्राइस में आपको 30,000 के नीचे ही मिलेंगे सारे स्मार्टफोन्स, और कुछ कुछ में आपको शायद ऑफर लगाने के बाद शायद 30,000 के नीचे देखने को मिलेगा। अब बात करें वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा चीज मेरे को नथिंग फोन 2A प्लस का लगा, इसका बेस वेरिएंट ही आपका 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको 8GB प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है, तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा आगे निकलते हुए लगा नथिंग फोन 2A प्लस। सो अब बात करते हैं हम वर्डिक्ट की, तो पहले बता दूं कि नथिंग फोन 2A प्लस में आपको क्या क्या प्लस मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखिए, डिज़ाइन तो हमेशा से प्लस रहा है इसका, क्योंकि डिज़ाइन एकदम यूनिक रहता है और एकदम हट के लगता है, ऐसा डिज़ाइन अभी तक तो फोन्स में देखने को नहीं मिला है। और 2A के मुकाबले ये थोड़ा सा मेरे को डिज़ाइन थोड़ा हाईलाइटिंग लग रहा है, थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, वरना ब्लैक वाले वेरिएंट में ढंग से दिखता नहीं था अंदर का डिज़ाइन, जैसे कि इसमें दिख रहा है। अब बात करें इसके आपके सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में तो क्या ही बोले, काफ़ी फ्लूइड है, काफ़ी स्नैपी है और बड़े मज़ेदार लगता है सॉफ्टवेयर। प्री लोडेड ऐप्स भी ज़्यादा नहीं है, और साथ साथ थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको UI में एड्स वगैरह कोई देखने को नहीं मिलता है, तो UI के हिसाब से बहुत अच्छा है। और साथ साथ एंड्रॉयड अपडेट्स आपको 3 years के मिलेंगे, 4 years के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, विच इज़ प्रिटी गुड। अब बात करें कैमरा की, तो कैमरा डिपार्टमेंट में इसका वीडियो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, तो वीडियोज़ में आपको प्लस पॉइंट हमेशा मिलेगा कि वीडियोज़ में अच्छी आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज सच, अगर प्लस की बात करें ना, तो जो भी नथिंग फोन्स आज तक आए हैं ना, उसके मुकाबले एज सच कोई प्लस देखने को नहीं मिला। मतलब कि जैसा फ़ोन्स आते हैं वैसे ही आ रहे हैं नथिंग के, कुछ नया देखने को नहीं मिला इसमें। अब बात करें वैसे ओवरऑल मेरे को फ़ोन अच्छा लगा नथिंग फोन 2A प्लस, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहते हैं और आपको गेमिंग अच्छी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वन प्लस नॉट 4 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब गेमिंग वगैरह में आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा, और परफॉर्मेंस में भी जैसा कि आपने देखा बेंचमार्क्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें नो डाउट आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे ड्यूरेबल फ़ोन चाहिए, मतलब कि बस दी बेस्ट होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी में, तो ओप्पो F27 प्रो प्लस बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप ले सकते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए दी बेस्ट है ये। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को, और हाँ दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।